ये 2 साल का बच्चा हमारे पास आया था आज से 10 दिन पहले। इसकी शिकायत ये थी कि ये बच्चा जब भी पेशाब करता था तो इसको रुकावट का मतलब ये पेशाब इसका जो फ्लो था वो जाता नहीं था, रुकावट होने लग गया था, जिसको हमारी भाषा में डाइसूरिया बोलते हैं। जब हमारे पास ये आया हमने इनका सारा जांच किया, सोनोग्राफी में पता चला कि इसके पेशाब के थैले में एक 12 mm का पत्थरी है जो कि आके उसी नली पे बैठ रहा है जहाँ पर से पेशाब नीचे जाना चाहिए। अब इसके बाद में हमने इसका पीडियाट्रिक्स ओपिनियन किया है, हमने इसमें एनिस्थीसिया से फाइनल चेकअप ले लिया है, PAC हो गया इसका। अब सब चीज़ होने के बाद में इसका दूरबीन के रास्ते से पथरी को तोड़ने का प्लान बना हुआ है और हम अभी इसको सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं जहां दूरबीन के रास्ते से ले जाके इसकी पथरी को तोड़ा जाएगा। परक्यूटेनियस सिस्टोलिथोट्रिप्सी जो बच्चे में की गई है उस सर्जरी में किया ये जाता है कि पेट में एक छोटा सा चीरा मारा जाता है, उस चीरे के द्वारा अपन पेशाब की थैली तक पहुँचते हैं। वहाँ का जो पथरी रहती है, पत्थर जो रहेगा 13 mm का जो पत्थर था उसे निकाला गया। फिर उसके बाद वो उसके कई बार ये दिक्कतें आ जाती है कि वो पत्थर जब हम तोड़ने को जाते हैं तो छोटे छोटे पत्थर जो रहते हैं पेशाब की नली में फंस जाते हैं। तो वो उसके कारण हमने क्या किया कि फोलीस कैथेटर कर दिया पेशेंट के अंदर में, जो पेशाब के रास्ते से एक पाइप हमने अंदर में डाला और दूसरा रास्ता हमने पेट से बनाया। तो अभी के लिए बच्चे का ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, बच्चे को अभी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा हमारे पास एकदम सही सलामत खेल रहा है, कूद रहा है, कोई मस्ती नहीं है उसको। स्मार्ट कार्ड के सहारे मेरे बच्चे का इलाज अच्छा से हुआ, इसमें डॉक्टरों ने सलाह दी कि बच्चा अब स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुए उसका और वो बच्चा मस्त है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इलाज कहीं भी करवाएं, हमारे चिकित्सकों से फोन पर किसी भी बीमारी का निःशुल्क परामर्श व होने वाले वास्तविक खर्च की जानकारी लेना ना भूलें।